हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। साथियों, आज अपने बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात रीट 2021 से संबंधित। तो रीट देने वाले महिला अभ्यर्थियों के लिए आई है खुशखबरी। क्या है खुशखबरी, जानेंगे इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारी आपको समझ आ सके। यदि आप हमारे चैनल चीनिया क्लासेज पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई जो ताज़ा तरीन सूचनाएँ हैं वो आपको यहाँ समय समय पर उपलब्ध होती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात रीट 2021 की तैयारियाँ। रीट का आयोजन 26 सितंबर को हो रहा है। परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 4200 यानी कि 4200 केंद्रों पर आयोजित होगी। और रीट के लिए आवेदन की बात करें तो लगभग 16.5 लाख से ज़्यादा यानी कि 17 लाख के करीब आवेदन इसके लिए आए हैं। फिर अपने बात करें रीट 2021 रीट परीक्षा दे रही महिला अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। क्या है खबर कि रीट महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। राजस्थान बोर्ड कोशिश कर रहा है कि महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र है वो उनके गृह जिले में ही आवंटित किए जाएं। बोर्ड की प्राथमिकता है कि परीक्षा देने के लिए महिला अभ्यर्थियों को अन्य जिलों में न जाना पड़े। हालांकि कई सीमावर्ती जिलों में परीक्षा केंद्रों की संख्या मांग के हिसाब से कम बताई जा रही है, क्योंकि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने विरेता में यहाँ अपना परीक्षा केंद्र है वो चुन रखा है। ऐसे में इन जिलों में हो सकता है कि महिला अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र आसपास के जिलों में आवंटित कर दिए जाएंगे। और लगभग अन्य अभ्यर्थियों की बात करें जहाँ पे सेंटर अवेलेबल है वहाँ उन अभ्यर्थियों को महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले में ही बोर्ड कोशिश कर रहा है कि बोर्ड जो सेंटर है वो आवंटित किए जाए ताकि उनको अन्य समस्या जैसे कि उन्होंने कहा है कि वर्तमान में मानसून का समय भी है, ऐसे में दूरी पर परीक्षा केंद्र आवंटित होने की स्थिति में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ इन अभ्यर्थियों परीक्षार्थियों पर होटल या धर्मशाला आदि में कमरा लेना, यात्री किराया आदि की दोहरी मार के साथ मानसिक तनाव से भी इनको गुजरना पड़ता है। तो इन समस्याओं से महिला अभ्यर्थियों को बचाने के लिए कोशिश बोर्ड कर रहा है कि इनको गृह जिले में ही सेंटर प्रदान कर दिया जाए ताकि ये अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाएँ। फिर देखते हैं नेक्स्ट, 31 अगस्त तक भाषा संशोधन का अवसर। राजस्थान बोर्ड ने रीट अभ्यर्थियों को भाषा संशोधन के लिए 31 अगस्त तक अवसर दिया हुआ है। अभ्यर्थी रीट की वेबसाइट reet.bser21.com से प्रारूप डाउनलोड कर 300 रुपये प्रति संशोधन शुल्क के साथ स्पीड पोस्ट के जरिए 31 अगस्त तक रीट कार्यालय को ये संशोधन प्रारूप है वो भेज सकते हैं। फिर बात करें, 4 साल से रीट परीक्षा नहीं हुई है जिसके कारण इस बार छात्र छात्राओं की संख्या में 6 लाख की बढ़ोतरी हो गई है। वर्ष 2017 में हुई रीट भर्ती परीक्षा में करीब 10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने से कट ऑफ मेरिट पर इसका असर पड़ेगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन करवाने के लिए इस बार अभ्यर्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अपने बात करें तो ये आप देख सकते हो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कहा गया है 4 साल से नहीं हुई है रीट, नतीजा 60% से अधिक अभ्यर्थी आवेदन संख्या में इनके बढ़ोतरी हो गई है। और कठिन होगा कंपटीशन यानी कि जो बच्चे मेहनत करने कर रहे हैं उनके लिए तो कोई कठिन नहीं होता है, तो ओवरऑल माने तो थोड़ा सा लेवल टफ रहने वाला है। तो ये थी आज की हमारी सूचना रीट से संबंधित। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई सूचना आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम आपको यहाँ पे उपलब्ध समय समय पर करवाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।